और आप देख रहे हो प्यारा सा यूट्यूब चैनल भजनजी ब्लास्ट मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है ये जो पार्टीशन है इंजन और वायु बीच में आता है, तो इसके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से बनता है और इसका जो साइज है माप है वो कितना होना चाहिए, ये खामी किस तरह से लगती है। आज आपको वीडियो के अंदर ये मैं जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये साइड का जितना भी मैंने काम किया है वो मैं पूरा वीडियो डालने वाला हूँ। और ये तो मैंने दोस्तों पहले बना दिया है इतना ताकि बाद में मेरे ध्यान में आया कि इसका वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपके साथ जानकारी आपको जानकारी मिले किस तरह से बनता है। तो बहुत से फ्लैटों में अभी ये पार्टीशन बनाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हॉल आ गया है और यहाँ अंदर की साइड में किचन आ गया है, तो यहाँ पे टीवी यूनिट बनेगा इधर यहाँ पे और यहाँ पे जस्ट बाथरूम में पार्टीशन बना रहा हूँ। तो ये इतना दोस्तों मैंने नीचे बॉक्स बना दिया है और ये पार्टीशन भी लगे हैं मैंने और यहाँ पे दीवार का पूरा पट्टा लगाया है और यहाँ तक जो ऊपर से लेके नीचे तक, और इसमें लाइटिंग भी लगेगी और ये बॉक्स बना दिया है मैंने और डोर खामली लगा दी है। और यहाँ पे देखिए आप ये खामली है, इसको तीन सीट जॉइंट मार के इसको बनाया हुआ है और ये डोर खामली ये छोटी वाली नीचे लगी है, ये वाली पांच खामली मैंने बनाई है और दो बड़ी खामली बनाई है। तो इसको आपको दिखाता हूँ किस तरह से फिट होता है, तो वीडियो को आप पूरा देखना तो ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैंने जो कोड़ाई ली है बॉक्स का नीचे का ये मैंने रखा दिया, ये दोस्तों मैंने 30 इंच का लिया है ढाई फुट का और इसका जो हाइट है नीचे से 32 इंच पे है इसका हाइट। और इसका डीप जो होता है इसका डीप वो ऊपर के बीम के हिसाब से होता है, तो ऊपर का बीम 10.5 इंच का है और इसको भी मैंने 10.5 इंच बनाया है और ऊपर से ओलम्बा करके इसको सीधा किया है, ऊपर के ओलम्बा के हिसाब से एकदम सेंटर में है ये बॉक्स। तो इसका हाइट है बॉक्स के ऊपर से, इसका हाइट बॉक्स के ऊपर से 62 इंच का हाइट है, तो 62 का 3 भाग करते हैं उस हिसाब से ये खामली लगेगी। 3 भाग कैसे किया जाता है, ये बॉक्स 2 बनाए हैं मैंने, एक यहाँ पर नीचे पड़ा है, ये जो बॉक्स है 11x11 का दो बॉक्स बने हैं, तो 22 इंच इसमें से माइनस करना है। तो ये बॉक्स यहाँ पे रख के दोनों बॉक्स और फिर ऊपर से माप लेंगे तो 39 इंच माप आता है उसमें, तो 39 का 3 भाग करने का है 13 इंच का ये थामली लगती है नीचे की 13 इंच की लगती है, तो 13 इंच की ये थामली मैंने लगा दी है। अब उसके ऊपर ये साइड में जो थामली आती है 3 थामली आएगी इसमें टोटल, तो 26 में 11 इंच प्लस करेंगे तो 33 इंच होता है 37, तो 37 की ये थामली लगेगी, उसके ऊपर यहाँ पे 11 इंच की हो जाएगी, उसके ऊपर क्रॉस में यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। तो इसको दोस्तों पहले एक साइड नीचे से कटिंग कर लेना है और इसको मैंने नीचे से पहले से ओलम्बा किया हुआ है, इसका एकदम आगे से ओलम्बा है और साइड का भी ओलम्बा कंप्लीट है, तो उसको नीचे से इसको कटिंग किया हुआ है, नीचे से इसको कटिंग कर लेना है, उसके बाद में ऊपर इसके बॉक्स के ऊपर रखना है और इसको फिक्स जो कटिंग की है मैंने एकदम फिक्स ये 11 इंच का कटिंग कर लिया है, तो इसको यहाँ पर रखना है पहले और यहाँ पर रख के तो ये थामली बड़ी है उसको उसके हिसाब से कटिंग कर लेना है ताकि ये ऊपर वाला जो भाग है एकदम बराबर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में ऊपर का वो बॉक्स उसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह से इसका सेटिंग होता है, ये अगर ओलम्बा में नहीं होगा तो ये अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि ओलम्बा होना बहुत जरूरी है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऊपर का जो मार्किंग कर रहा हूँ उसके हिसाब से एकदम लेवल टू लेवल उसको कटिंग करना है, कटिंग करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें बनाने में थोड़ी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेमिनेट वाला काम है, लेमिनेट में इसको चारों तरफ से लेमिनेट लगानी पड़ती है, फिर उसका फिनिशिंग करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है,
ये छोटा कटिंग हो जाता है तो ये साइज इसकी छोटी हो जाएगी, ऊपर वाला लेवल नहीं आएगा। लेवल लेवल से काट दिया मैंने, देखते हैं वहाँ पे तो आप देख सकते हो इसका जो ऊपर का लेवल है वो कंप्लीट हो गया है सर एकदम। ये देख लीजिए आप, पूरा इसका ऊपर का लेवल है वो कंप्लीट है। तो इसका जो ये गैप है, ये जो गैप है 4 इंच का छोड़ा हुआ है, यहाँ से माप लेना है कि मैंने ये तो गैप है ये 8 इंच का छोड़ा हुआ है। उसके बाद इसका थामले का माइनस करके 3 बार करना है, और 3 बार बन लीजिए तो 4 इंच का इसमें गैप आया है इसमें, और यहाँ से 1 इंच छोटा हुआ है, यहाँ से 1 इंच बाहर निकला हुआ है बॉक्स बॉक्स का। ये लेवल और ये लेवल दोनों बराबर है, तो अभी 4 इंच का ये गैप छोड़ के लगा देना है थामले को। एकदम सीधा रहना चाहिए, तो ये एकदम सीधा रहेगा तो उसका लुक अच्छा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने 2 थाम भी और लगा दिए, उसका ऊपर का जो बॉक्स है वो लगा दिया है, और अभी इसके ऊपर 2 थाम भी और लगेगी, और यहाँ पे 1 थाम भी आएगी, तो ये डिजाइन कम्प्लीट बन जाएगा। दोस्तों ये जो ऊपर वाले जो थाम भी है इसको एकदम सही फिटिंग करना पड़ता है, ये टाइट फंसानी पड़ती है, इसके ऊपर इससे सपोर्ट मिलता है बॉक्स को पूरा। अगर ये ढीला रह गया तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपने को एकदम कुछ सौ पिक्स माप लेके और फिर फिटिंग करना पड़ता है, तो इसको ध्यान में रखना। ये जो 1 और 2 और 1 ये थाम भी है, इसको आपको एकदम फिक्स माप की काटनी है, कैसे भी करके फिक्स माप की काटना है।
वो गैस से एकदम थोड़ा बाहर की नीच में कट रहा है, तो उसको अंदर वाली जो धार दिख रही है आपको, ये वाली धार को थोड़ा घिसना पड़ता है, क्योंकि पहले बीच में आ जाती है तो साइड में गेप होता है, तो उसको पहले थोड़ा ग्राइंडर से घिस देते हैं, तो ये दोनों भाग दिख जाएंगे, चार भाग है वो दिख जाना चाहिए ऊपर। देखिए आप एकदम कुछ टाइट और एकदम आ गए, देख लो आप एकदम कम्प्लीट, कोई इसमें टचिंग बात नहीं है, और ये लगती है इसका वाइब्रेशन कम हो गया, एकदम कुछ कुछ लग गया देखो। तो इस तरह से इसका कटिंग करने में अभी जो बाकी की था कि यहाँ है वो भी आपको दिखाता हूँ लगे।
उसके बाद उसका वायरिंग खांचे में से निकले, तो एक ऊपर लाइट है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन लाइट है इसमें है और दो लाइट वहाँ पे भी है। तो अभी एक मैंने फिक्स कटिंग कर ली है इसको एकदम, देख लो आप एक बार, आपको दिखा देता हूँ फंसा के इसमें, तो एकदम ये भी एकदम एकदम जीरो जीरो कटिंग आना चाहिए, तो इसको जीरो जीरो मैंने कटिंग कर ली है, देखो देख ली एकदम जीरो जीरो कटिंग करना पड़ता है इसको, क्योंकि इसमें गेप रहेगा तो चिपकेगा नहीं है, इसको दोनों साइड में चिपकाना है, तो अगर इसमें ढीला लूज हुआ गेप हुआ तो वो चिपकेगा नहीं, तो इसको जीरो जीरो काटना जरूरी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पार्टीशन को कंप्लीट कर दिया है, तीन पार्टीशन दिए हैं यहाँ पे तीन, और यहाँ पे दो बॉक्स है और तीन थामनी, तो चौड़ाई में 30 इंच का है और हाइट इसका 96 इंच का है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, पार्टीशन बन के तैयार हो गया है पूरा, और बाजू में मैंने आपको बताया था इधर टीवी यूनिट आने वाला है, तो यहाँ पे टीवी यूनिट बना दिया है, और देख लीजिए आप कैसा दिखता है कंप्लीट ये टीवी यूनिट का। इसका पूरा वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, पूरी साइड का वो बताऊँगा, एक साइड से इस तरह से इसका डिज़ाइन दिखता है, और अंदर की साइड में दरवाज़ा दिया हुआ है दो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।